1942 में 11 अगस्त के दिन अगस्त क्रांति का गांधी जी के नेतृत्व में आह्वान किया गया। इस अगस्त क्रांति में भारत के अनेक सपूत ने भाग लिया, जिसमें बिहार में जब अगस्त क्रांति का आह्वान किया गया तो बिहार के बड़े बड़े जो लीडर थे उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जब बड़े बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया था तब बिहार के अलग अलग स्कूल में पढ़ने वाले, अलग अलग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने जोर शोर से अगस्त क्रांति में भाग लिया, जिसमें पटना और पटना के अगल बगल के जो कॉलेज थे उस कॉलेज के भी छात्र अगस्त क्रांति में जोर शोर से भाग लिया। आज मैं ये सात मूर्ति के पास हूँ। जिन लोगों का ये स्मारक बनाया गया है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, इन्होंने देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। बगल में सचिवालय है इस साइड में, और सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए ये सातों लोगों ने यह निर्णय लिया कि सचिवालय पर झंडा फहरा देना है, चाहे जैसे भी करके क्यों ना हो। इसलिए सबसे पीछे जो आपको दिख रहे हैं, पीछे में इन्होंने सबसे पहले झंडा लेकर के आगे बढ़ा, तभी अंग्रेजी सरकार के सिपाही ने इन पर गोली चलाई और इनको गोली लगा, उसके बाद ये गिर गए, उसके बाद आगे बढ़े ये, उसके बाद ये भी गिर गए। सबका मैं नाम भी बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें। उसके बाद फिर आगे बढ़े, इसी तरीके से सातों लोगों ने आगे बढ़ते गए, गोली चलता गया और अंततः सचिवालय के गुंबद पर झंडा फहरा ही दिया गया। और उसके बाद जो है ये देखिए तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए हैं आगे, इनको तीन गोली लगी थी लेकिन फिर भी इन्होंने सचिवालय के गुंबद पर झंडा फहराया। अब मैं इन लोगों का नाम बताता हूँ। पहला नाम है उमाकांत प्रसाद सिंह, ये ग्राम नरेंद्रपुर जिला सारण के रहने वाले हैं। दूसरा नाम है स्वर्गीय रामानंद सिंह, ये ग्राम शहादत नगर जिला पटना के रहने वाले हैं। स्वर्गीय सतीश प्रसाद झा, ग्राम खरहरा जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। स्वर्गीय जगपति कुमार, ग्राम खराठी जिला गया के रहने वाले हैं। स्वर्गीय देवी प्रसाद चौधरी, ग्राम जमालपुर जिला सिलहट के रहने वाले हैं। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, ग्राम बनवारचक जिला सारण के रहने वाले हैं। उसके बाद सातवां जो है राम गोविंद सिंह, ये ग्राम दशरथ जिला पटना के रहने वाले हैं। ये सभी लोग तो महान क्रांति थे ही और इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिए देश, लेकिन किन्हीं का उम्र 15 साल, किन्हीं का उम्र 19 साल और इनमें से कुछ लोगों की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और ये सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए जा रहे थे और शहीद हो गए, जरा सोचिए। लेकिन अब बिहार के जो वर्तमान सरकार हैं, वर्तमान जो अधिकारी हैं, उनकी काली करतूत मैं दिखलाने वाला हूँ। ये देखिए, जब इनकी शहादत दिवस आता है 11 अगस्त को, उससे एक दो दिन पहले यहाँ पर साफ सफाई किया जाता है, बाकी दिन ऐसे ही यहाँ पर जंगल झाड़ बना रहता है। ये देखिए, ये फाउंटेन है और ये बनाया गया है कि ताकि फुहारा लगे, इसमें लाइट उट लगा रहे और देखने में अच्छा लगे। गोलंबर है ये, आर ब्लॉक चौराहा के नाम से भी जाना जाता है। विधानसभा के सामने में गेट है और उसके पीछे में सचिवालय है। अब देखिए, इसमें जो है काई भरा हुआ है, लगता है कि वर्षों से इसमें साफ सफाई नहीं हुआ है। ये सब तो चला ही नहीं है, मोटर वोटर सब जल गया, लेकिन इसके नाम पर मोटर का बिल भी पास होता होगा। अब ये लोग जो है अब आए हैं साफ सफाई करवाने के लिए, ये इलेक्ट्रिशियन है, ये बना रहे हैं और ऐसे साल भर से ऐसे ही चल रहा था, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आज साफ सफाई हो रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मनोज सिंह हुआ। मनोज सिंह, यहाँ पर कौन भेजे आपको? हम भवन निर्माण से आए हैं, शहीद दिवस के अवसर पर काम होता है। यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं अभी? जैसे क्या बना रहे? काई साफ करा रहे हैं। काई साफ करा रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सालों से काई जमा हुआ है, यानी कि समझिए तो साल भर पर एक ही दिन साफ होता है, हम क्या ये सही है? अब ये तो विभाग में जाने, विभाग जाने। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम लोग पटने के रहने वाले। पटने के रहने वाले, इन लोग के बारे में जानते हैं ना? ना, हम लोग इनके बारे में नहीं जानते। हाँ, मैंने सात को मिल के लोग शहीद कराए थे। शहीद कराए थे? क्यों शहीद हो गए मालूम नहीं है? शहीद हुए थे भारत आजाद कराने के लिए। हाँ, भारत आजाद कराने के लिए शहीद हो गए। इतना आसानी से बोल दे रहे हैं कि भारत आजाद के लिए शहीद हो गए, उससे क्या हम लोग को क्या जरूरत है भाई? हम लोग ना कर रहे हैं, रंग रोगन सब हम ही लोग ना कर रहे हैं, हर बार होता है यहाँ। इन्हीं लोगों के देन है कि आज हम लोग इतनी आजादी से लेकर के घूम फिर रहे हैं। देखिए, समरसेबुल लगा रहे हैं? नहीं, निकालने के लिए चल गया था।
रखा रखा हुआ जल ही जाएगा जब चलेगा। नहीं नहीं, ये तो हम लोग निकालने के लिए टेम्पोरी व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी ये काई हुई सब साफ हो जाएगा। हाँ, उधर हुआ ना, पूरा मारेगा? नहीं, फुहारा मारेगा? फुहारा नहीं मारेगा, फुहारा नहीं मारेगा बनाने के बाद। के लिए बिजली विभाग है, हम लोग भवन निर्माण से आए इसका रंग रोगन सफाई करने के लिए। हाँ, बस यही, बस इतने साफ सफाई करके चल जाएंगे। हाँ, बाकी पता नहीं अब आगे भी सफाई हुआ कि नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ कुछ पौधे भी लगाए गए हैं, ये कल लगा है शायद, कल ही लगा है ना, गार्डन डिवीजन कल लगा है ना, उद्यान प्रमंडल से लगाया गया है ये। उद्यान प्रमंडल से लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है कि हो सकता है कि 11 अगस्त के दिन बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे यहाँ पर, इनका जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, चाहे जिलाधिकारी सबको जाते हैं। वही एक ही दिन, एक ही दिन आएंगे ना। हाँ, बाकी दिन तो फिर ऐसे ही जंगल झाड़ बना रहेगा। कल आएंगे कांग्रेस वाले, 9-10 तारीख को कांग्रेस वाले आएंगे। बताइए जरा, सोचिए कितना बोलने में भी शर्म आ रहा है हमको कि एक दिन आएंगे और इनका शहादत मनाएंगे। सोचिए जरा, ये कांस निर्मित ये प्रतिमा है इन लोगों का, ये टाटा स्टील एंड टेल्को कंपनी द्वारा ये कांस निर्मित प्रतिमा बनाया गया है। जरा सोचिए कि 15 साल के युवा, 19 साल के युवा, और जो कुछ ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी, वो अपने देश के आजादी के लिए सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए अगस्त क्रांति में जोर शोर से भाग लिया और शहीद हो गए, अपने जान को परवाह किए बिना झंडा फहरा दिए। जब जान रहे थे कि हम मारे जाएंगे अंग्रेजों के गोली से, मारे जाएंगे, गोली चल रही है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है अपने जान को परवाह किए बिना आगे बढ़े। और आगे सचिवालय दिख रहा है ना, ये तो विधानसभा गेट है, आगे सचिवालय है, वहां पर इन लोगों ने झंडा फहराया। लेकिन अब देखिए, अब के लोगों को आज जब इनका शहादत दिवस आता है तो एक दिन आकर के यहाँ पर साफ सफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर जंगल झाड़ बना हुआ था, अभी भी देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये आज सफाई हुआ है ये वाला, उधर आज पेंट हो रहा है, वहां पर पेंट कर रहे हैं, वहां पर देखिए पेंट वहां पर कर रहे हैं, वहां पर दिखाते हैं, लाइए आइए वो भी दिखाइए। तो देखिए ये स्थिति है, ये काई बना हुआ है, पता नहीं ये फाउंटेन चलेगा अभी कि नहीं चलेगा, लेकिन चलना तो चाहिए, जब ये चलता तब तो अच्छा लगता। और आगे दिखाते हैं, आइए देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है साफ सफाई कर रही हैं। अब ये चीजें मैं दिखलाऊंगा तो बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा। यहाँ पर देखिए पेंट हो रहा है, ये देखिए ये भाई साहब यहाँ पर पेंट कर रहे हैं, ये आज पेंटिंग होगा जब इनका ये 11 अगस्त को शहादत दिवस मनाया जाएगा, उससे पहले एक दो दिन, बाकी दिन ऐसे ही रहेगा, कोई देखने वाला नहीं है। यही देख लीजिए, पेड़ पौधा तो लगाया गया, फूल पत्ती लगाया गया है, लेकिन जरा सोचिए कभी इसमें खुरपी भी कोई लगाया है, इसमें कोई पानी डालने नहीं आया है। देखिए किस तरीके से कि जंगल झाड़ साफ किया गया, आज कोई इसको खोद करके ये भी नहीं किया कि जड़ को थोड़ा साफ कर दें, ये भी पेड़ लगा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, आज साफ सफाई हो रहा है। बताइए जरा, अब सवाल किससे किया जाए, यह मोटर है, पता नहीं चलता भी होगा कि नहीं। अच्छा सर, ये मोटर चलता है कि नहीं चलता है, ये चलता है मोटर? ये तो बताएंगे लोग विभाग से। अच्छा अच्छा, विभाग से हम लोग जैसे। हाँ अच्छा, ये चलता है कि नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है। हाँ, ये बिजली विभाग ये कौन लगाए हैं वो बताएंगे, हम लोग नहीं बता सकते, ये नहीं बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपसे ज्यादा पूछना भी नहीं है क्योंकि आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन ये चीजें हकीकत है। देखिए कितना गंदगी फैला हुआ है, जरा दिखा दीजिए, आज साफ सफाई हो रहा है और ये आगे भी कुछ दिन चलेगा, अभी नहीं चलेगा पता नहीं। ये देखिए सब इस तरीके से है, फैला हुआ है, बाकी मैं क्या ही कहूँ। अगर थोड़ा सा यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इसको भी पढ़ के सुना देते हैं। सन 1942 ईस्वी में 11 अगस्त को ये हिंदी में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन बिहार सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय पताका फहराने के प्रयास में 7-9 युवक छात्रों ने विदेशी सरकार की गोलियों का सामना करके वीर गति पाई। और मैं बता दूं इनके बारे में जरा सा, ये जो भी लोग हैं सब अलग अलग कॉलेज से आए थे, लेकिन जिस कॉलेज में ये पढ़ रहे थे उस कॉलेज में इनका फोटो तक भी नहीं है, उस कॉलेज में इनको नाम तक भी नहीं लोग जानते हैं कि यहाँ के लोग भी थे। बताइए जरा, और ये देखिए ये भी देख लीजिए जरा, ये आज साफ सफाई हुआ है, ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा उसका पता नहीं, लेकिन आज पेंटिंग डेंटिंग हो रहा है। आगे और दिखाते हैं, आगे आइए, ये देखिए आज फूल पत्ती लगा है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये है हमारे बिहार सरकार, जरा सोचिए। अब ये काले करतूत नहीं है तो क्या है, ऐसे ऐसे महान लोगों को सब भूल जा रहे हैं लोग। बाकी इन लोगों के बारे में अलग से मैं स्टोरी और दिखलाऊंगा, आप लोग इंतजार कीजिए, लेकिन आज मैं यहाँ की जो हकीकत था वो चीज़ें मैं आपको दिखलाया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ, नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।